अच्छा, चैप्टर 32 पढ़ना है आज हमें। देखो चैप्टर 32 में, चैप्टर 32 क्या है, जनरल प्रोविजन से जुड़ा हुआ चैप्टर है। जनरल प्रोविजन किस किस तरह के हैं पहले थोड़ा समझ लो, फिर हम इस पे देखेंगे। इसमें से जैसे हम मान लेते हैं कि हर चैप्टर में से एक क्वेश्चन आने वाला है, तो 37 चैप्टर हैं, तो 37 क्वेश्चन तो आने वाले हैं नहीं। कितने क्वेश्चन आएंगे, 10 से 12 क्वेश्चन सीआरपीसी के, तो हर चैप्टर से एक आएगा। तो ये चैप्टर उस श्रृंखला में नहीं है, ये चैप्टर उस श्रृंखला में नहीं है। इसमें से क्वेश्चन आने की संभावना रेयर टू रेयरेस्ट है, आएगा ही नहीं। पर फिर आप कहोगे तो फिर पढ़ाओ ही मत, सा छोड़ ही दो। नहीं छोड़ेंगे नहीं, एक आइडिया होना चाहिए। बहुत सारी चीजें ऐसी है कि कभी कभी चलो इसमें से उठा लेते हैं। जैसे क्या उठा लेते हैं, जैसे मान लो किसी महिला है जिसकी जो गर्भवती भी है और उसकी डेथ पेनल्टी भूल गई है, बाद में पता चला कि वो तो गर्भवती है, गर्भवती है, तो फिर क्या किया कि उसके गर्भवती होने के कारण उसके लिए लिख दिया कि हाई कोर्ट सेल कम्यूट हिज सेंटेंस इन एलआई, उसके दंडादेश को एलआई में परिवर्तित कर देगा, करेगा, ये ऐसा लिख ही दिया। अब एक जनरल बात है, उठा ली एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में, तो आपको ध्यान रहनी चाहिए। अब इस चैप्टर 32 में क्या क्या चीजें हैं, जैसे एक तो एग्जीक्यूशन का पार्ट है। एग्जीक्यूशन का क्या मतलब है कि देखो क्या होता है, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स, हाई कोर्ट के ऑर्डर्स, ठीक है ना, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स और हाई कोर्ट के ऑर्डर्स का एग्जीक्यूशन कैसे होता है। जैसे सपोज करो कि हाई कोर्ट के लिए कंफर्मेशन के लिए कि किसी, मान लो किसी सेशन जज ने डेथ पेनल्टी अवार्ड कर दी, तो डेथ पेनल्टी जब तक कंफर्मेशन हाई कोर्ट से नहीं हो जाता तब तक तो किसी को डेथ पेनल्टी मिलेगी नहीं। पहले कंफर्म कराने के लिए भेजेंगे, ये पढ़ा था ना हमने, पहले भेजेंगे तो वो कम से कम दो जजेस के सामने लगेगा एक साथ, अर्थात डिविजनल बेंच के सामने लगेगा, खंडपीठ के सामने लगेगा। अब मान लो उनमें डिफरेंसेस हैं, ओपिनियन में डिफरेंस, तो ओपिनियन डिफरेंस है तो वो फिर लार्जर बेंच, एक थर्ड जज के जाएगा। दो की जो ओपिनियन हो जाएगी उसके अनुसार वो या तो कंफर्म हो जाएगा या डिक्लाइन हो जाएगा। तो मान लो कंफर्म कर दी है सजा, तो सजा 368 में आपको ध्यान आ रहा हो, उसमें अपन लोगों ने पढ़ी थी, तो कंफर्म कर देते हैं तो क्या होता है कि नीचे कंफर्म की हुई सजा नीचे ऑर्डर जाता है उसी सेशन कोर्ट के पास, और वो सेशन कोर्ट उस सजा को एग्जीक्यूट करा देता है। क्या करा देता है, एग्जीक्यूट करा देता है। यह एक स्थिति कब बनती है, ये तो वो आपने ध्यान आ रहा हो 366 और 368 वाला पार्ट ध्यान आ रहा है, कंफर्मेशन के लिए भेजते हैं डेथ पेनल्टी के लिए, या तो इसमें हो, या दूसरी एक स्थिति है कि अपील हुई हो, अपील में हाई कोर्ट ने किसी को डेथ पेनल्टी दे दी हो, या रिवीजन में डेथ पेनल्टी दे दी हो, अपील में या रिवीजन में। तो दोनों ही स्थितियों में जैसे ही कोर्ट के पास आएगा ना, सेशन कोर्ट के पास, तो सेशन कोर्ट क्या करेगी, एक वारंट इश्यू करेगी। वारंट का मतलब क्या होता है, आदेश। वारंट का मतलब क्या है, ऑर्डर है, मतलब इस बात का ऑर्डर, इस आदमी को फांसी लगा दी जाए। तो किसको भेजेगा, कौन एग्जीक्यूट करेगा, जो जेलर है, जेल का इंचार्ज है, उसको भेज देगा, जेल इंचार्ज को भेज देगा, और जेल इंचार्ज ये मानते हुए कि सेशन जज का आदेश है और उस आदेश का एग्जीक्यूशन कर देगा। ऐसे ही मान लो कोई सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, तो सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स का भी एग्जीक्यूशन नीचे की सेशन कोर्ट ही करती है। अब आपसे कोई क्वेश्चन आएगा ना ऑब्जेक्टिव, तो वो ये पूछ सकता है उच्चतम न्यायालय के आदेशों के निष्पादन कैसे किया जाता है, व्हाट इज द प्रोसीजर
ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ ऑर्डर ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट, ये इस तरह की लाइन आपसे वो पूछ सकता है। तो कौन करेगा? बाई सेशन कोर्ट, बाई कोर्ट ऑफ सेशन लिख के ये इसके उत्तर हो गए। और इसकी डिटेल में और कुछ में जाने की जरूरत नहीं है। तो ये सेक्शन है 400। अब देखो जहां पे देखेंगे तो 413 से 416 तक डेथ के मामले में है, ये किसके मामले में है? डेथ, डेथ के मामले में 413 से 416 तक की सेक्शन है। अब ये 413, 414, 415, ये तो मैंने अभी आपको तीन सेक्शन बताई दिए, कौन से? अब ये 416 है ना, ये प्रेग्नेंट लेडी का डेथ पेनल्टी वाला मामला है कि हाई कोर्ट सेल कन्वर्ट और हाई कोर्ट सेल कम्यूट हिज हर पनिशमेंट इन एलआई, लाइफ इंप्रिजनमेंट में बदल देगा। अब देखो आपको सिर्फ नोट्स में ही करना है, नोट्स से ही देखना है, ज्यादा कुछ जरूरत है नहीं इसमें। पर नोट्स में मैंने क्या है कि इस बार थोड़ा सा अभी चेंज किया है। अब जैसे 368 के अधीन दिए हुए आदेश का निष्पादन लिखा हुआ ना, तो आप या तो इसी से समझ जाओ कि 368 में 368 में कौन से ऑर्डर का एग्जीक्यूशन है, और दूसरा लिखा हुआ है उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए मृत्युदंडादेश का निष्पादन। तो आप इसको अपनी हेडलाइन बना सकते हो। अपनी हेडलाइन कैसे बनाओगे? जैसे उच्च न्यायालय से प्राप्त मृत्युदंडादेश की पुष्टि के आदेश को सत्र न्यायालय द्वारा क्रियान्वित किया जाना। इतने में आपका पूरा कंप्लीट आ गया सेक्शन एक लाइन में। उच्च न्यायालय द्वारा, ये कॉलेज की क्लास नहीं है और मेरे सामने होके जाते तुम्हें शर्म नहीं आती? ये बनेंगे मजिस्ट्रेट। ऐसे ही नीचे सत्र न्यायालय में भी लिख सकते हो। अब जैसे गर्भवती स्त्री के मृत्युदंडादेश को मुलतवी किया जाना, देखो पहले क्या था, पहले क्या इस सेक्शन में 416 में अमेंडमेंट हो गया। पहले जो सेक्शन था कि जब तक वो प्रेग्नेंट है, जब तक उसके बच्चे का जन्म नहीं हो जाता, तब तक लिखा था पहले जन्म हो जाना चाहिए। जन्म होने के बाद हाईकोर्ट चेंज कर सकता है, ये था। हाईकोर्ट कैन कम्यूट हर सेंटेंस। अब इसको चेंज कर दिया। अब आपको सिर्फ इतना ही ध्यान रखना है, जन्म से कोई लेना देना नहीं है। इफ सी इज प्रेग्नेंट लेडी, हर सेंटेंस शैल बी कन्वर्ट इन लाइफ इंप्रिजनमेंट बाई द हाई कोर्ट। इतनी सी बात है। अब हाई कोर्ट से तो इस लाइन को चेंज कर दो, मुलतवी करना ही लिख रहा है ना, इस लाइन का अब कोई मतलब नहीं रह गया। अब हेडर तो एज इट इज बना हुआ है, नीचे चेंज कर दिया है। तो आप अपने नोट्स में इसको एक ऐसे लिख लो, एक लाइन लिख लो मेरे हिसाब से, बस सिर्फ एक लाइन 416 में इतनी याद रख लो बस, इससे ज्यादा नहीं। राजनीतिक मुकदमे इसमें नहीं आते हैं। तो ये पूरा हुआ आपका, है ना। फिर ये 417 से 420 तक कारावास वाले मामले हैं। देखो इसमें आपको कुछ याद नहीं रखना है, बाकी जो नोट्स में मैंने दे रखा है बेरेक्ट में से कुछ नहीं करना। जैसे लिखा है 400 तक कारावास का स्थगन नियत करने की शक्ति राज्य सरकार के पास है। अब क्या, हु कैन पोस्टपोन द इंप्रिजनमेंट? पोस्टपोन का मतलब क्या है यहाँ पे? पोस्टपोन का मतलब है अभी सजा शुरू नहीं है, सजा आज नहीं चल रही, किसी कारण से सजा तो हो गई। जैसे मान लो किसी को पांच साल की सजा हुई, आज नहीं दे रहे उसको, ठीक है, इसकी सजा एक महीने बाद शुरू होगी। क्यों? कारण होगा उसका, कोई कारण होगा जिसकी वजह से पांच, मान लो कोई बीमारी से पीड़ित है, हॉस्पिटल तो जैसे बाहर हॉस्पिटल बना हुआ है, जेल में बड़ा हॉस्पिटल बना हुआ है, हॉस्पिटल की व्यवस्था है, सारी व्यवस्था वैसे ही है जैसे बाहर है।
अब जैसे 418 है, मैंने हेडलाइन में लिख दी सारी बात, लिखा है कि कारावास के दंडादेश का निष्पादन तुरंत वारंट जेल में भेजा जाएगा, ठीक है ना। तो वारंट का मतलब आदेश। अब जैसे इसमें 419 दे रखा है, मान लो सस्पेंड कर दी सजा को कुछ समय के लिए, सस्पेंड का मतलब स्थगन का मतलब समझ रहे ना, स्थगन का मतलब एक तरह से पोस्टपोन शब्द का यूज किया मैंने, पोस्टपोन का मतलब आज नहीं आगे। तो सजा कब से शुरू होगी ये राज्य सरकार तय करेगी, हाई कोर्ट ने तो तय कह दिया। मान लो 15 दिन बाद सजा शुरू हुई, 15 दिन का टाइम अभी दे दिया। जैसे मान लो एक आदमी जिसकी सजा हो गई है और उसके घर में डेथ हो गई और लोग जमानत देने के लिए तैयार हैं कि साहब हम जमानत दे देते हैं, इनके फादर की डेथ हो गई है, अकेला बेटा था और जो क्रियाक्रम है उन्हें करने के लिए व्यक्ति चाहिए। तो जिन लोगों ने जमानत दे दी उनकी जमानत पर वो आदमी 15 दिन के लिए, अभी जैसे जिस दिन सजा हुई उसी दिन तो स्टेट गवर्नमेंट को रिक्वेस्ट की, स्टेट गवर्नमेंट ने कह दिया भाई 15 दिन बाद सजा शुरू हो जाएगी, तो उसको पोस्टपोन कर सकते हैं। अब देखो जैसे 421 से 424 तक के सेक्शन है ना, बहुत बड़े बड़े सेक्शन है, तो 421 से 424 तक के लेवी और फाइन के सेक्शन है, जुर्माने का उद्ग्रहण करना। तो मान लो जुर्माना जुर्माना कोई नहीं देता है तो उसकी दो स्थितियां हो सकती हैं कि एक तो जुर्माना न देने पे एडिशनल पनिशमेंट के लिए लिख दिया, लेकिन नहीं लिखा है तो जुर्माना तो वसूला जाएगा ना, जो फाइन वसूला जाएगा उस फाइन का प्रोसीजर क्या होगा कि व्हाट शैल बी द प्रोसीजर ऑफ लेवी ऑफ फाइन। तो उसका यह है कि उसकी जो प्रॉपर्टी है, हिज प्रॉपर्टी कैन बी अटैच्ड, क्या है समझ में आया, हिज प्रॉपर्टी कैन बी अटैच्ड। तुमने नोट्स नहीं है तुम्हारे पास, लिए नहीं थे, तो तुम दूसरी बात बता रहे थे कि दो बार मिलने भी आए, लेकिन तुम नोट्स के लिए तो बोलते मेरे से, इन बात से ले लेने तो पड़ेगा कैसे, मैं नोट्स से ही पढ़ा रहा हूँ, जाके दौड़ के जा वहां से ले आ, सर ने बोला है मेरे को नोट्स दे दो इंग्लिश वाले, वो तो बढ़िया है, वो मेरी निगाह पड़ जाती नहीं, तुम अपने आप ऐसे पढ़ते रहते, बेयर एक्ट पर नोट्स पर मेरी खुद की निगाह पड़ती रहती है तब। कि जो कोर्ट फाइन लगाती है, मान लो कोई आदमी फाइन नहीं देता है तो उसकी प्रॉपर्टी का ऑक्शन कर सकती है, प्रॉपर्टी को अटैच कर सकती है। अटैच का मतलब क्या होता है, कुर्की का मतलब क्या होता है, वेन एवर प्रॉपर्टी इज अटैच्ड बाय द कोर्ट इट मीन्स नाउ यू डोंट हैव इट्स ओनरशिप राइट, अब आप इसके मालकाना हक नहीं रखते हो, जैसे अटैच कर लेती है वो प्रॉपर्टी कोर्ट की हो गई, क्या हो गई, वो प्रॉपर्टी किसकी हो गई, वो प्रॉपर्टी कोर्ट की प्रॉपर्टी हो गई। इतनी बात ध्यान रखनी है कि फाइन के मामले में क्या वारंट जारी, अच्छा यहाँ पे हर काम के लिए क्या होगा, वारंट जारी होगा, क्या जारी होगा, वारंट। मैंने बार बार कहा है वारंट मीन्स एन ऑर्डर, एक आदेश है, समन मीन्स एक बुलावा है, समन क्या होता है बुलावा, और वारंट क्या होता है ऑर्डर। हाँ किसी को प्रस्तुत करने का वारंट है, प्रोटेक्शन वारंट है, प्रोटेक्शन मतलब पेश करने का, प्रस्तुत करने का, जैसे जेलर को दिया प्रोटेक्शन वारंट, जाना आ रहा हुआ सेक्शन 267, तो इंचार्ज को दिया कि भाई लेकर आओ इसको कोर्ट में लेकर आओ, ये वारंट है। या जैसे पुलिस कहती है अरेस्टिंग वारंट, तो अरेस्ट करके लेके आओ, एक पुलिस कहती है अवेलेबल वारंट, तो ये वारंट दिखा दो कि मेरे को कहा है कि लेके आ जाओ, अब यहाँ जमानत दिला दो। तो जब भी कभी अवेलेबल वारंट आता है ना, बोलते ना अवेलेबल वारंट जारी हो गया, अवेलेबल वारंट का मतलब है कि पुलिस जाएगी और वो कहेगी कि भाई साहब आप अपने घर वाला या आपकी जो जमानत लेना चाह रहा हो वो आदमी बुला लो, उसका वो दे दो मेरे को आईडी और ये, और मैं जमानत यहाँ भर लेता हूँ। वो आपके घर पर ही जमानत दे रहा है, अवेलेबल वारंट का मतलब आपको जमानत दी है अगली तारीख पे आ जाना, और उसको भी पाबंद कर दिया है जो जिसकी जमानत करा दी, जो जमानत दे रहा है, हाँ जी इसको लेकर आ जाना आप, अगले बार तो हम अरेस्ट करके ले जाएंगे,
उसे बोलते हैं वेलेबल वारंट। समझ में आ गया वेलेबल वारंट? नॉन वेलेबल वारंट तुम्हें बेल नहीं देनी, बेल हम देंगे। मतलब वेलेबल वारंट का मतलब पुलिस वाला ही बेल दे के आ जाएगा। नॉन वेलेबल में नॉन वेलेबल वारंट जारी हो गया है तो अब कोर्ट देगी, अब आ जाओ कोर्ट में, आप यहां जमानत करा लो। अरेस्टिंग वारंट, अरेस्ट कर लाओ, अरेस्ट पकड़ के ले आओ। फिर आता है डेथ पेनल्टी के लिए वारंट, वो वारंट जाके कि दिस पर्सन टू बी हैंग टू डेथ, ये व्यक्ति इतने टाइम तक लटकाया जाएगा, मर न जाए जब तक लटकाया जाएगा। तो वो ये सब वारंट से होता है, किससे होता है? वारंट। अच्छा, ये एग्जीक्यूशन के वारंट कौन जारी करता है, जो ऑर्डर्स के एग्जीक्यूशन के वारंट कौन जारी करता है? तो यहाँ लिखा हुआ देख रहा है कि न्यायाधीश और मजिस्ट्रेट, जजेज एंड मजिस्ट्रेट। अब जैसे 426 में लिख दिया सिर्फ नोट से ही कि जो निकल भागे सिद्ध दोष पर दंडादेश कब प्रभावी होगा, जैसे ही वो भागेगा तत्काल प्रभावी, मतलब कन्विक्टेड एस्केप्ड है। कैसा है? कन्विक्टेड एस्केप्ड, आदमी कन्विक्शन हो रखा है, दोषी हो रखा है, सजा हो रखी है, लेकिन वो तो भाग गया। तो जब भाग जाएगा तो उसके लिए जो वारंट जारी कब होगा, जैसे वारंट जारी होगा तत्काल उसके ऊपर प्रभावी हो जाएगा। क्या है, जैसे कोर्ट वो देती ना सजा सुनाती है किसी को, तो मान लो 6-7 धाराएं लगी हुई हैं, तो हर सेक्शन की, मैंने बताया था ना, हर सेक्शन का जितने सेक्शन लगे होते हैं उन सब का सेपरेट चार्ज, डिस्टिंक्ट चार्ज लगा रहता है, पृथक चार्ज। कैसा चार्ज? पृथक। जैसे 323 लगी हुई है तो 323 एक एक्शन है, 441 लगी हुई है एक एक्शन है, 425 लगी हुई है एक एक्शन है, तो हर एक एक्शन का क्या सुनाएगा? चार्ज। और जब हर एक एक्शन का चार्ज सुनाएगा तो जजमेंट भी हर एक्शन में होगा। जजमेंट क्या होगा? हर एक्शन का जजमेंट होगा। जैसे एक में सजा 2 साल सुनाई, एक में 3 साल सुनाई, 4 साल सुनाई, एक में 5 साल सुनाई, तो टोटल सजा कितनी हो गई? ज्यादा हो गई ना। जैसे 3 साल सुनाई, 2 साल सुनाई, 5 साल सुनाई, और वो सजा ACJM ने सुनाई, ACJM मैक्सिमम कितनी सजा तक सुना सकता है इस तरह की? 14 साल तक सुना सकता है। आपने कभी कभी अखबार में देखा है उस आदमी को 300 साल की सजा सुनाएगी, भारत में नहीं विदेशों में, अब 300 साल तो वो जीवित ही नहीं रहेगा। तो कैलकुलेटेड फॉर्म में है वो, इस अपराध में इतनी, इस अपराध में इतनी, इस अपराध में इतनी, इस अपराध, तो कई सेक्शन लगे हुए हैं, ऐसे करके 300 साल की सजा, 200 साल की सजा, ऐसे करके टोटल सजा उसकी इतनी आई। अब ना तो वो इतना रहेगा, तो भारत में क्या व्यवस्था है उसकी, ऐसे भारत में तो होती नहीं है इस तरह सजा। उसमें एक लाइन लिख देते हैं, ये सजाएं साथ साथ चलेंगी। ऐसा कहां लिख रहा है? 427। कहां लिख रहा है? 427 में लिख रहा है। लिखा हो तो ही होगा, अदरवाइज एक के बाद एक चलेगी। क्या है? लिखा हुआ हो तो ही चलेगा, अदरवाइज एक के बाद एक चलेगी। अब देखो एक और, जैसे 428 है, मान लो एक आदमी अरेस्ट हुआ और 10 दिन के लिए, पहले 10 दिन के लिए अरेस्ट हुआ, उसकी जमानत हो गई, बाद में ट्रायल हुई, बाद में क्या हुआ? ट्रायल हुई, ट्रायल में कन्विक्शन हुआ और पता लगा कि उसे 1 महीने की सजा दी है। कितने दिन की? 1 महीने की सजा दी। जब 1 महीने की सजा दे दी तो 10 दिन तो पहले भुगत चुका है ना, तो उस सजा में सेट ऑफ हो जाएगी। क्या हो जाएगी? कहां लिखी हुई है? 428 में। तो देखो इसमें अभी जो आपने पढ़ा, जो आपके एग्जाम में ऑब्जेक्टिव में आ सकते हैं,
एक आ सकती है 427, 428, 421, 416। 21 छोड़ दो, 416। अब कोई यूनिक यूनिक फीचर नहीं है क्योंकि अब जुड़ गया। ये शुरुआत जब आईपी, देखो क्या है, अभी जैसे रोजाना डीटीपी देते हो ना आप लोग, तो उसमें एक क्वेश्चन आ गया कि ये किस ईयर में इंसर्ट हुआ, वो कोई क्वेश्चन आपके आएगा नहीं। फिर आप कहोगे सर पहले आया हुआ है क्वेश्चन, जिस साल यदि कोई अमेंडमेंट होंगे उसी साल आएगा, उसी साल एग्जाम हो रहा है तो आएगा, नहीं तो नहीं आएगा, ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं आता। तो जो आपने कहा कि यूनिक फीचर वाला है, ये क्वेश्चन आया था, यूनिक फीचर वाले क्वेश्चन आते थे 2000 तक, क्योंकि 1973 में आईपीसी में ड्रास्टिक चेंज हुए थे, सॉरी सीआरपीसी में 1973 में तो ये दोबारा से बनी, अर्थात ऐसा नहीं कि ये सीआरपीसी, ये वाली सीआरपीसी भारतीयों ने बनाई है, तो 1973 में तो भारतीयों का ही आना चाहिए ना, नहीं, ये पहले की सीआरपीसी तो 1860 की है, 1860 के बाद 1893 में बनी, एक बार यही आ गया था क्वेश्चन, सेकंड सीआरपीसी कब, तो वो 1893 में बनी, ऐसे करके कई बार रिफाइंड हो गई है, क्योंकि बहुत ज्यादा चेंज करने होते हैं ना, तो उस एक्ट का नाम ही डाल दिया, अदरवाइज तो इसका नाम 1860 में ही होता, क्योंकि ये और आईपीसी साथ साथ ही आए थे, 61 में लागू हुई थी, जैसे आईपीसी 1 जनवरी 1862 से है ना। देखो ये तो मैं पहले ही बता चुका हूँ क्या हुआ था, कि 1857 की जब क्रांति हुई ना, तो 1858 में एक्ट लाना पड़ा था अंग्रेजों को, यहाँ से भागने वाले हैं तो वो कानून जिनके द्वारा यहाँ अपनी सत्ता स्थापित कर सकते हैं, तो सीआरपीसी आईपीसी एविडेंस सब लागू किए थे उन्होंने, अपने देश का कानून लागू कर दिया। सारा डर तो कानून का है, जो किताबों में लाइनें लिख रही है ना, इन्हीं का तो है। अब क्या होता है, जैसे ही मान लो किसी को 2 महीने की सजा हुई, तो 2 महीने की सजा के बाद पहले तो सजा का वारंट बनता है, क्या बनता है, वारंट बन गया चले गए, वारंट से ही जेल जाते हैं, और वो वारंट वहां रखा रहता है जेल में, जैसे ही 2 महीने पूरे हो जाएंगे उसी कोर्ट में वो वारंट पहुंचाया जाएगा, जिस कोर्ट ने सजा दी थी उसी कोर्ट में पहुंचाया जाएगा, और फिर वो कोर्ट उस वारंट को रद्द करेगा, क्या करेगा, रद्द करेगा। तो तब तक नहीं, वारंट तब तक अस्तित्व में बना रहता है जब तक कि रद्द न कर दिया जाए, आपको पढ़ाया था ना, पर आपने नहीं पढ़ा, 72 में। तो जब तक ऐसे ही इसमें 429 में क्या लिखा हुआ है, कि जैसे ही उसका एग्जीक्यूशन कंप्लीट हो जाएगा, तो वहां कोर्ट, वो जेलर ये बताएगा, जी आपके आदेश की पालना कर दी है, सजा 2 महीने की पूरी हो गई और ये वारंट हमने पहुंचा दिया है, तो ये वारंट वहां पहुंचता है। अब देखो आपको सिंपली कौन से सेक्शन है इसमें पूरे में, एक तो 416 पे कोई संभावना बनती है ना, 428 पे बनती है, 427 पे बनती है, बस इन्हीं क्वेश्चंस पे, ये एक सिंपल नॉलेज का है 429 में, सिर्फ नोट से ही देखना इनको। अब देखो इस चैप्टर में तीन शब्द देखे आपने, एक लिखा है सस्पेंशन रिमिशन एंड कम्यूटेशन, सस्पेंशन रिमिशन और कम्यूटेशन इस चैप्टर में दे रखे ना, इन तीन शब्दों का अर्थ पता है क्या, सस्पेंशन मतलब स्थगन, अभी थोड़ी देर पहले ही मैं बता रहा था, राज्य सरकार के पास पावर है ना किस चीज की, स्थगन की, भाई ये अभी सजा सस्पेंड कर दी है, इसका मतलब ये आगे बढ़ा दिए, सस्पेंड का मतलब ये नहीं कि अब देखो ये कभी कभी आपने नाम सुना है कि कोई आदमी पैरोल पे आया जी, है? तो स्टेट गवर्नमेंट
के पास पावर है, लेकिन वो पैरोल वाली पावर सीआरपीसी में नहीं है, सीआरपीसी में नहीं दे रखी, कहाँ दे रखी है? फिर वो जेल मैनुअल्स में दे रखी है। जेल मैनुअल में आप खाना कैसे खाओगे, आप रहोगे कैसे, कितने बजे सोओगे, कितने बजे उठोगे, सब चीजें लिखी हुई है। ऐसा नहीं कि हम तो योग कराएंगे, उठो जाओ, खड़े हो जाओ सुबह 4 बजे, ऐसे नहीं कर सकते। वहां नियम हरेक का, किसको क्या डाइट मिलेगी, क्या नहीं मिलेगी, पुराने कैदी क्या काम करेंगे, दिन में जो लोग हैं वो क्या करेंगे। जेल में, जेल से आदमी क्यों घबराते हैं? एक तो सुविधाओं का, सुविधाएं नहीं है वहां, दूसरी वहां नए लोग होते हैं, कितनी देर बात करोगे, तीसरी कितनी देर बात करोगे, कर लो बात आप, फ्री बैठे हो, कितने बार पूछोगे कि और बताओ तुम्हारे हाल क्या है, थोड़ी देर पहले थे वैसे ही अब कितने बार कहोगे। तो मैं अभी आपको बता रहा था, तीन शब्द हैं, एक का नाम है स्थगन या सस्पेंशन, एक शब्द है लघुकरण, कम्यूट, उसी को बोलते हैं कम्यूटेशन। क्या बोलते हैं? कम्यूट या कम्यूटेशन। कभी कभी क्या होता है कि जो सजा है ना, जब सजा कम कर दी जाती है, सजा कम कर दी जाए या सजा के रूप को चेंज कर दिया जाए, जैसे LI है या LI को 14 वर्ष से कम की किसी सजा में परिवर्तित कर दिया, या मान लो डेथ पेनल्टी को, ये व्यवस्था है ना, यहां तो अभी 432 वाला पढ़ रहा है, हाँ समझ में आया कुछ, तो उसे बोलते हैं लघुकरण। एक शब्द और है रिमिशन, रिमिशन या रिमिट, वर्ब तो रिमिट है, रिमिशन, रिमिशन की हिंदी क्या है? परिहार। क्या है? परिहार। तो ये परिहार क्या होता है? दोनों के मैंने वो दे रखे हैं, 1 वर्ष की सजा को 6 माह की कठोर कारावास, जैसी है वैसी में चेंज, उसे रिमिट करना कहा जाता है, रिमिशन। अब देखो ये सजा रिमिट करने की पावर और कम्यूट करने की पावर या सस्पेंशन की पावर, ये स्टेट गवर्नमेंट के पास है। किसके पास है? स्टेट गवर्नमेंट के पास। जिसमें आप 433 एक बार देखो, पढ़ लो आप एक बार नोट से, 433 नोट से पढ़िए। देखो आपसे ऑब्जेक्टिव में 432 और 433 पे क्वेश्चन आ सकता है, इन दोनों सेक्शन को जस्ट रीड कर लो आप, फिर मैं समझाता हूं। जैसे डेथ पेनल्टी को किसी भी प्रकार के दंड में चेंज किया जा सकता है, जब लघुकरण करने की शक्ति में, आजीवन कारावास है ना, तो आजीवन कारावास को कोई 15 साल की, 16 साल की, 18 साल की सजा में नहीं, जब भी आप उसे कम्यूट करना चाहते हो तो कम से कम 14 से नीचे चलो, कितने, अब ये 14 से नीचे का टाइम क्यों बताया है? जो आजीवन कारावास है,
किसी भी आदमी को आजीवन कारावास की सजा है तो उसका मतलब है जीवन के अंतिम सांस तक की सजा। अभी आपने देखा ना आईपीसी में जो रेप रिलेटेड और इस तरह के जिनमें लाइफ इंप्रिजनमेंट की सजा की बात की गई है तो उनमें लिख दिया आप कब तक की सजा है वो है? हाँ, उनके प्राकृतिक जीवन तक, मतलब जहां तक आपकी श्वास चल रही है वहां तक। तो फिर पुराने वाले में क्यों नहीं था? वो क्या है LI का मतलब पुराने वालों में? पुराने वालों में भी यही मतलब है। तो फिर लोग 20 साल की क्यों कहते हैं? 20 साल वाली जो बात थी ना आईपीसी में, देखी थी ना कहां थी ये 50 नहीं सेक्शन 57 के फ्रैक्शन ऑफ पनिशमेंट, दंडों का कैलकुलेशन करेंगे वहां तक, गणना या फ्रैक्शन। तो गणना या फ्रैक्शन के लिए दी हुई है कि उसे 20 साल के तुल्य समझा जाएगा, मतलब 20 साल के बराबर समझा जाएगा। इसका मतलब है जहां लिखा हुआ है कि आजीवन कारावास का आधा, तो आजीवन कारावास को तो जो पता ही नहीं कितना है वो, तो चूंकि आधा करना है तो वो कह दिया 20 साल से करो कैलकुलेशन, 20 साल का आधा। तो जो लोग अच्छे चरित्र के हैं, अच्छा, तो उन्हें मान लो लाइफ इंप्रिजनमेंट की सजा हो गई है, तो जेल मैनुअल में ही व्यवस्था है कि 14 साल से नीचे की सजा तो वैसे भी उसे हो जाएगी, तो इसलिए कम्यूट के लिए लिख दिया कि 14 साल से नीचे चलो। ठीक है, अब ये पावर पता है किसकी? स्टेट गवर्नमेंट की। किसकी पावर है? स्टेट गवर्नमेंट की पावर है। अब देखो इतना और समझो, जैसे स्टेट गवर्नमेंट की ये पावर है, ऐसे ही क्या और भी पावर है ना? देखो 432-33 में तो CRPC में पावर दे रखी है, ऐसे ही पावर गवर्नर के पास है, ऐसे ही पावर प्रेसिडेंट के पास है। वो पावर्स कहलाते हैं पार्डन पावर्स। कौन सी पार्डन? पार्डन या क्षमा, क्षमादान की शक्ति। तो वो जो क्षमादान की शक्ति वो क्या है? वो प्रेसिडेंट के पास और गवर्नर के पास है, लेकिन क्या वो सरकार की पावर नहीं है? प्रेसिडेंट उस संबंध में ये है कि प्रेसिडेंट सरकार से पूछ के ही अपना इस पावर का एंटरटेन करेगा, अपने लेवल पर नहीं करेगा। इसमें आप एक बार 433 पढ़ो, सजाओं का चेंज है इसमें, किस सजा को किसमें कम्यूट करेंगे।